भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, प्री प्राइमरी की पढ़ाई 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आपकी स्क्रीन पर ये कैलेंडर भी हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको अवगत कराना चाहेंगे प्रथम सप्ताह जो अप्रैल महीने का है उसमें थीम रहेगी मैं और मेरा परिवार। दूसरे सप्ताह में भी वही थीम रहेगी मैं और मेरा परिवार। यहां तक कि आपको बताना चाहूंगा अप्रैल महीने भर आपकी वही थीम रहने वाली है मैं और मेरा परिवार। साथ ही जब मई महीना आएगा यानी अप्रैल महीने के बाद में मई महीना, उसमें सप्ताह जब 5वां चलेगा अप्रैल महीने मई महीने का प्रथम बोल लो, या फिर इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका 5वां सप्ताह बोल लो जो मई महीने में पहुंचेगा। अप्रैल में आपके 4 सप्ताह होंगे, इस हिसाब से अगर आप देखें तो मई में पेड़ पौधे के नाम से आपकी थीम चलने वाली है, इस हिसाब से चीजें आई हैं। वहीं पर आपका जब मई का पूरा समाप्त हो जाएगा और फिर जून जब चलेगा, सप्ताह आपका जब 9 नंबर का आ जाएगा तो उसमें फिर से लिखा गया है पुनरावृत्ति, तो फिर से वो दोहराया जाएगा, वही चीजें मई और जून वाली जो है पुनरावृत्ति की जाएंगी, और जून का 10वां सप्ताह में भी पुनरावृत्ति चलेगी, और फिर जून का जब 11वां सप्ताह आएगा जून महीने में यानी 11वां सप्ताह तब जाकर के पड़ेगा। अप्रैल से सब स्टार्ट हो रहा है और ये सप्ताह वाइज ही कैलेंडर है। अभी बढ़िया तरीके से समझाएंगे किस तारीख को किस दिन जो है कहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है। फल और सब्जियों को लेकर के 11वें सप्ताह में जून महीने में आपकी थीम चलेगी, और यहां तक कि जून में सभी जो है यहां पर जो थीम है वो फल एवं सब्जियों से रिलेटेड है। तो चलिए आइए जानने का एक बार प्रयास करते हैं। 13 पेज है टोटल इसमें, जिनमें अभी आपको एक एक करके बताएंगे। आज इसका पहला वीडियो है इसलिए आपको हम समझा भी रहे हैं आने वाले महीनों में आने वाले सप्ताहों में आपको कैसे कैसे पढ़ाई देखने को मिलेगी। खैर आज हम बात करेंगे अप्रैल महीने के इस प्रथम सप्ताह के बारे में। ये प्रथम सप्ताह अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता है 1 अप्रैल से आपकी प्री प्राइमरी की पढ़ाई शुरू है, और 1 अप्रैल को आपका कौन सा दिन पड़ा है आप सबको पता होगा, शुक्रवार पड़ा है। कल ही 1 अप्रैल तारीख थी और कल आपका शुक्रवार था, तो कल का तो जो हो गया सो हो गया, शनिवार आज है, और आज आपको शनिवार वाले कॉलम में जो भी दिया हुआ है इसके बारे में आपको आज पढ़ाई बच्चों की करवानी है, और कल रहेगा रविवार छुट्टी, और फिर परसों जब सोमवार आएगा तो सोमवार को आपको इस साइड का स्टार्टिंग का जो सोमवार में लिखा है उसको अपना सोमवार को पढ़ा लेना, फिर जब मंगलवार आएगा 5 तारीख को तो 5 तारीख को ये पढ़ा लेना, 6 तारीख को बुधवार पड़ेगा उसमें भी संडे मनाया जाएगा, और फिर 7 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा, लास्ट में आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा और आप इसको पढ़ा लेना। आपके प्रथम सप्ताह में ही आपके ये सारे जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और अगला सप्ताह जब आपका स्टार्ट होगा सप्ताह नंबर 2 अप्रैल महीने का, तो आपकी जो पढ़ाई है वो आपकी नियमित तरीके से बढ़िया से ऐसे ही चलती रहेगी। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो अगला सप्ताह जो होगा 2 सप्ताह वो आपका 8 तारीख को शुक्रवार जो आएगा और 8 तारीख जो पड़ेगी 2 सप्ताह स्टार्ट हो जाएगा, और आपको पता है पहला अप्रैल महीने में जो प्रथम सप्ताह आपने अगर स्टार्ट किया है वो भी 1 अप्रैल को शुक्रवार के दिन पड़ा था, शुक्रवार को यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे करके आपके जो जो भी दिन है वो पूरे पूरे कैलेंडर वाइज सप्ताह वाइज पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ना ही आपको दिक्कत रहेगी। उसे आपके 5 चक्रों में आपके जो है पूरे दिन को बांट दिया गया है, अलग अलग तरीके से कॉलम बना दिए गए, पढ़ाई अलग अलग दिन के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। अब देखिए यहां पर कविता देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये तो सोमवार को होनी, उस पर बाद में आएंगे, पहले आज का देखो। आज जो है आप लोगों का सारी रात मछली पकड़ी ये वाला जो है आज चला होगा आपके वहां स्कूलों में, वही मॉर्निंग स्नैक चला होगा। दूसरे चक्र में 3 से जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए स्वतंत्र खेल खिलाए गए होंगे शुरुआत के आधे घंटे, और जो है 5 वर्ष से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको रंग पहचानना सिखाया गया होगा। और वहीं पर जो है आज अगर बात करें अगले जो 30 मिनट की दूसरे चक्र की, तो उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चों को अगले आधे घंटे रंग खिलाए गए होंगे, पहचानना लाल पीला नीला ये सिखाया गया होगा। वहीं दूसरी साइड में अगर आप देखें तो जो आपके बच्चे हैं 5 से 6 वर्ष वाले उनको स्वतंत्र खेल खिलाए गए होंगे आज के दिन दूसरे चक्र में। वहीं पर तीसरे चक्र की अगर आप बात करें तो यहां पर अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो यहां पर शनिवार के दिन आज के दिन क्या है, इसमें आपको
सजग रहो और जगह बदलो, सजग रहो और जगह बदलो, इस पर आधारित चीजें करवाई गई होंगी। साथ ही चौथे चक्र का जो समय होगा 30 मिनट का, उसमें आज 3 से 5 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनको हिंदी पहली ध्वनि जो है आपकी माँ उसको सिखाया जाएगा। वहीं 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए गतिविधि जो पुस्तिका है उसका प्रश्न नंबर 1 पढ़ाया जाएगा। तो जो गतिविधि पुस्तिका मिली है उसका प्रश्न नंबर 1 आज शनिवार को पढ़ाया गया होगा 5 से 6 वालों को। वहीं 5वें चक्र का जो समय है 30 मिनट, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कहानी है, किताब है या मौखिक रूप से, ये सब दोनों बच्चों को सम्मिलित रूप से करवाया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका शनिवार का जो आज करना था। अब बहनों आप सब देखिएगा सोमवार अब जो पड़ेगा आप लोगों का, 4 तारीख को आपका पड़ेगा सोमवार। तो सोमवार को अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है वो आप देखिएगा। इसमें है सोमवार को प्रथम चक्र में कविता चलेगी, नमस्ते प्यारे बच्चों, अपने जो है बच्चे अपना नाम बताएंगे, खेल ताली चुटकी ये सब होगा। वहीं पर इनमें सभी बच्चे एक साथ है, 3-5 ऐसा कुछ भी बांटा नहीं गया है। वहीं पर आप देखिएगा यहां पर जो है 3 से 5 वाले जो बच्चे हैं दूसरे चक्र में, और आप देख सकते हो उनका जो समय है स्टार्टिंग का, तो वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे 30 मिनट, उसके बाद अगले 30 मिनट रंग मिलान वगैरह करेंगे। वहीं 5 वर्ष वाले बच्चे दूसरे चक्र में क्या करेंगे, पहले 30 मिनट रंग मिलान वाला करेंगे, उसके बाद स्वतंत्र खेल अगले 30 मिनट जो है खेलेंगे। वहीं पर तीसरे चक्र जब शुरू होगा तो रस्सी पर चलना, दोनों बच्चे 3 से 5, 5 से 6 सब जो है आसानी से उनके अकॉर्डिंग चीजें वो करवा लेना, जमीन पर रस्सी रखना उसी पर वो चलेंगे। आगे चौथा चक्र का जो समय है वो 3 से 5 वर्ष वाले बच्चों के लिए रचनात्मक कार्य करने के लिए होगा, मुक्त चित्रकारी लिखा हुआ, यानी अपने आप बच्चा कुछ भी बनाना चाहे तो वो बना सकता है, उसको बनाने देना। 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं चौथे चक्र में हिंदी की पहली ध्वनि जिसकी पहचान करनी है, मां का और चा, ये ध्वनियों की पहचान करवानी है। वहीं पर आपका जो 5वां चक्र का जो समय लिखा हुआ है कहानी की किताब जिसमें है उसमें लिखा है हम हिंदुस्तानी, लाइब्रेरी वगैरह में जो है ये कुछ इस तरीके से आपको वो दोनों बच्चों को सम्मिलित रूप से हिंदी जो है कहानी की किताब हम हिंदुस्तानी मिली होगी, उसके आधार पर चीजें करवानी है। तो ये कुछ ऐसे आपका हो गया सोमवार का। अगर यहीं पर हम बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को बहनों आपकी तारीख कितनी पड़ेगी, 5 तारीख मंगलवार को आप पढ़ाना कविता प्रथम चक्र में चलेगी, नमस्ते प्यारे बच्चों, अपना नाम फिर से बताएं, नाम टैग की गतिविधि के साथ में, तो बच्चों के नाम टैग भी कर देना। वहीं पर अगले 10 मिनट मॉर्निंग स्नैक, और दूसरा चक्र जब शुरू होगा तो हिंदी भावगीत वगैरह करवाए जाएंगे दूसरे चक्र में। दूसरा चक्र 60 मिनट का रहता है, वैसे तो कुछ दिन जो है 3 से 5, 5 से 6 वालों का अलग अलग बांट दिया जाता है 30-30 मिनट का, लेकिन मंगलवार के दिन सबका इकट्ठा एक साथ जो है 60 मिनट यानी 1 घंटे का चलेगा हिंदी भावगीत, सब एक साथ जो है अपना कहेंगे बोलेंगे सीखेंगे। अब तीसरा चक्र का जो समय है वो यहां पर आप देखिएगा मंगलवार के दिन बताया जा रहा है, और चौथा और पांचवा वो सब यहां पर हटा दिए गए हैं विभाग द्वारा निर्धारित सीबीई, जो भी सीबीई है विभाग द्वारा निर्धारित उस वो वहां पर करवाया जाएगा, इसके बारे में अगर आपको पता है तो जानकारी दे सकती हैं। वहीं पर बुधवार की अगर हम बात करें, बुधवार आपका पड़ेगा 6 तारीख, आंगनबाड़ी बहनों विच संडी वगैरह जो आपके केंद्र पर मनाया जाता है वही मनाया जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में इस गतिविधि कैलेंडर में कुछ भी नहीं आया। वहीं पर इस अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह यानी उसका आखिरी दिन यानी कि आपका 7 अप्रैल यानी कि बृहस्पतिवार का दिन, देखो हम इस हिसाब से आपको बता रहे ताकि आपका हर तरीके से बिल्कुल सही हो। अब यहां पर अप्रैल में देखो प्रथम सप्ताह लिखा, तो प्रथम सप्ताह का ये पूरा कैलेंडर है, अब 7 दिन तभी तो आप पढ़ा पाएंगी प्रथम सप्ताह का, और अगला सप्ताह स्टार्ट करेंगी तो यानी सप्ताह वाइज चीजें हैं तो सप्ताह में ही कंप्लीट होनी चाहिए, ना कि अगले सप्ताहों में वो चली जाए, तो वो ऐसे ही हो पाएंगी। अब सप्ताह आखिरी दिन बृहस्पतिवार आप समझें अप्रैल महीने का, क्योंकि अप्रैल जो शुरू हुआ है वो आपका शुक्रवार से शुरू हुआ है, इसीलिए आपके जो दिन है वो अलग अलग हिसाब से है। तो अब बृहस्पतिवार यानी 7 तारीख यानी 7 अप्रैल आखिरी दिन सप्ताह का, उस दिन आपको क्या पढ़ाना है, अपने जो बच्चे हैं बच्चे अपने दोस्तों के नाम बताएंगे, और खेल चलेगा राम रहीम वाला जो भी हो जैसा हो, उसके अलावा मॉर्निंग स्नैक्स चलेगा। ये तो प्रथम चक्र हो गया। दूसरा चक्र जो है उसमें 3 से 5 वर्ष के बच्चे वो आधा घंटा स्वतंत्र खेल खेलेंगे और अगले आधे घंटे रंग का मिलान करेंगे। वहीं पर दूसरे चक्र में 5 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो आधा घंटा रंग पहचानना, लाल पीला और नीला वो सीखेंगे, उसके अगले आधे घंटे स्वतंत्र खेल खेलेंगे। उसके अलावा फिर शुरू होगा तीसरा चक्र, जिसमें तीसरे चक्र में सभी बच्चों को एक साथ शारीरिक व्यायाम करवाए जाएंगे, चाहे वो 3 से 5 का हो 5 से 6 का हो, सबका सम्मिलित रूप से शारीरिक व्यायाम होगा। वहीं पर
तीन से पांच वर्ष के बच्चों का आप देखेगा, तो जो आपके तीन से पांच वर्ष के बच्चे हैं, और ये बात करें अगर हम चक्र की, तो चौथा चक्र जब स्टार्ट होगा तो तीन से पांच वालों को रचनात्मक आकृतियों में रंग भरना सिखाया जाएगा। जो भी बुक वगैरह मिली है बुकलेट, उनमें रंग भरने वाली चीजें जो होती हैं उनमें बच्चे अपना रंग भरेंगे। वहीं चौथे ही चक्र में पांच से छह वर्ष वाले जो बच्चे हैं वो उसी दिन बड़े अक्षर के प्रतीक को पहचानना सीखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी वगैरह ये सब चीजों को अपना सीखेंगे, इतने ए बी सी डी ई एफ जी इतने ही जो अल्फाबेट सीखेंगे। वहीं पर पांचवा चक्र दिन बृहस्पतिवार अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह का यानी आखिरी दिन, तो आखिरी दिन जो है उसमें क्या होगा, हिंदी भावगीत होगा, कविता हुआ सवेरा चिड़िया बोली ये वाली जो है कविता उनके वहां पर चलेगी। इस तरीके से बृहस्पतिवार तक का पूरा हो गया। अब शुक्रवार तो 1 अप्रैल को था, चला गया, आप लोगों को बता नहीं पाए क्योंकि हम बहुत बिजी थे, और यहां पर आपको पता होना चाहिए अप्रैल में जो है शुक्रवार जो 1 अप्रैल था जो चला गया, सप्ताह का प्रथम दिन जो शुक्रवार से स्टार्ट हुआ था, उस दिन क्या था, कल उसमें क्या था बच्चों का, सारी रात मछली पकड़ी ये वाला जो है, और बच्चे अपना नाम बताएं, राम रहीम खेल, ये चीजें जो है प्रथम चक्र में चलनी थी। दूसरे चक्र में तीन से पांच वालों को स्वतंत्र खेल खिलाने थे, चित्र पर दाने बैठाना, सीधी लकीर वाले ये सिखाने थे। वहीं पांच से छह वालों को दूसरे चक्र में चित्र पर दाने बैठाना, टेढ़ी मेढ़ी लकीर वाले, स्वतंत्र खेल ये सब करवाने थे। तीसरे चक्र में रस्सी पर चलना सभी बच्चों को सिखाना था, और वहीं पर जो है तीन से पांच वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो चौथे चक्र में गतिविधि पुस्तिका जो है थी, तीन जो है 3.4 प्रश्न नंबर एक, 4.5 प्रश्न नंबर एक, तो ये गतिविधि पुस्तिका से तीन से पांच वालों को पढ़ाना था, और पांच से छह वालों को रचनात्मक चित्मुक्त चित्रकारी जो है 1 तारीख को देनी थी, करवानी थी। और वहीं पर पांचवें चक्र में अंग्रेजी भावगीत जो है कम लिटिल चिल्ड्रंस कम टू मी जो पोएम है वो बच्चों को पढ़ानी थी। इस तरह से ये सोमवार जो है, सोमवार नहीं कह सकते, शुक्रवार कह सकते हैं, और अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह का स्टार्टिंग का जो दिन है जो कि 1 अप्रैल, उस दिन आपका शुक्रवार था और शुक्रवार को ये पढ़ाना था, तो इस हिसाब से ये कैलेंडर था। वहीं इसके अलावा अगर आप देखें तो जो अप्रैल महीने का दूसरा सप्ताह स्टार्ट होगा जो कि आप लोगों का 8 अप्रैल को होगा दूसरा सप्ताह, तो वैसे भी आप समझदार हैं, आपको पता है प्रथम सप्ताह यानी शुरुआत अप्रैल महीने के 7 दिन, अगला सप्ताह यानी दूसरा सप्ताह 8 तारीख से होगा। अब 8 तारीख को कोई भी तारीख हो, हर महीने तारीख अलग अलग होंगी, तो अब 8 तारीख को आपका शुक्रवार से स्टार्ट हो रहा, क्योंकि सोमवार जो 1 अप्रैल है वो भी आपका शुक्रवार से स्टार्ट हुआ, तो अगले 7 दिन अगला सप्ताह यानी 8 तारीख शुक्रवार, तो शुक्रवार से आपका ये पढ़ाएंगे। तो अब 8 तारीख आएगी, उससे पहले ही आप लोगों को एक वीडियो चैनल पर ले आएंगे और अच्छे तरीके से आपको अगले सप्ताह का बता देंगे। अभी इस वीडियो में केवल प्रथम सप्ताह का 7 तारीख तक का आप आराम से पढ़ाइए, ताकि आप पर भी कोई लोड ना हो, इकट्ठा आपको बता दे सब कुछ कर दे तो वो भी दिक्कत होगी। तो फिर आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ये आपका प्री प्राइमरी के हिसाब से ऐसे यूपी में पढ़ाया जाएगा उसके बारे में था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और किस दिन क्या पढ़ाना है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ गई होंगी। आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर सप्ताह वाइज कैलेंडर है, और अप्रैल महीने का प्रथम सप्ताह यानी अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल से सप्ताह नंबर 1 है, तो भैया सप्ताह नंबर 1 ऐसे आप चलाते जाना, और वहीं पर इस तरह से जो है ताकि आपके सप्ताह ना बिगड़े, आने वाले जो है महीनों में भी आप लोगों को इनके बारे में ध्यान देना है। दूसरा सप्ताह